हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल समीर ब्लॉग में आप सभी फ्रेंड को स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज आया हूँ पटना जू। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ का टिकट प्राइस है 30 रुपीज़, जो आप लोगों को काउंटर से मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग टिकट ले चुके हैं, तो चलते हैं, टिकट दिखलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, अभी हम पटना जू के अंदर आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा जानवर कहाँ पे है, आप लोगों को सारा कुछ का जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड, आप लोगों को यहाँ पे गाड़ी का भी सुविधा मिल जाएगा, जो आप लोगों को पूरा चिड़ियाघर घुमा देगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे दिखाया गया आज कौन सा जानवर कहाँ पे है। तो आप लोग इस नक्शे के द्वारा आप लोग जानवर के पास जा सकते हैं। और तेंदुआ, सिंह, बाघ, भालू, सारा कुछ का दिया हुआ है। अब इस रास्ते से आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये तेंदुआ का घर है। तो यहाँ पे तो तेंदुआ दिख नहीं रहा है, तो देखते हैं ऊपर है। तो फ्रेंड, आप लोग ये देख सकते हैं तेंदुआ वहाँ पे बैठा हुआ है। जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख लीजिए तेंदुआ वहाँ पे है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चिंपांजी के बारे में कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। और फ्रेंड, वहाँ पे देख सकते हैं चिंपांजी। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं चिंपांजी ठहरा होके, देख सकते हैं आप लोग। एक और चिंपांजी वहाँ से आ रहा है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये शेर हम लोगों को दिख गया है। तो आप लोग भी देख लीजिए, वहाँ पे शेर बैठा हुआ है। और यहाँ पे शेर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग बाघ के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है, तो आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। आपको बाघ के दिख, तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे बाघ सोया हुआ है, धूप के लेके छांव में सोया हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सफ़ेद बाघ है। तो ये सफ़ेद बाघ का एरिया है, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं सफ़ेद बाघ बैठा हुआ है। फ्रेंड, ये कुछ भालू के बारे में दिया हुआ है, जो आप लोग देख सकते हैं एक भालू वहाँ पे बैठा हुआ है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीलगाय के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये है नीलगाय। तो आप लोग, हम जूम करके दिखा रहे हैं, बहुत सारा है इसमें, देख सकते हैं एक वहाँ पे है। तो फ्रेंड, ये है चीतल, चीतल के बारे में फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये है चीतल, चीतल बहुत सारा इसमें है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये है जेबरा, धूप के लेके छांव में जाके ठहरा है जेबरा। तो आप लोग, हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये है बारासिंगा, बारासिंगा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। तो आप,
तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये बारहसिंगा अभी छाँव में जाके बैठा हुआ है। लोग देख सकते हैं ये दरिया ही घूम रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। तो चलते हैं आप लोगों को हम दरियाही घोड़ा को दिखाते हैं। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये है दरियाही घोड़ा जो अभी पानी में सो रहा है। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये है जिराफ के बारे में कुछ जानकारी जो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं जिराफ जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं गेंडा आप लोग हम जूम करके दिखला रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाथी के बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है। अफ्रीका एवं एशिया में पाए जाने वाले हैं। देख सकते हैं हाथी नहा रहा है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाथी जा रहा है अपना छांव में। तो आप लोग हम हाथी दिखला रहे हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मगरमच्छ है। इसमें दो तीन मगरमच्छ है जो पानी में और है। लकड़बग्घा के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं लकड़बग्घा है या नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे तो लकड़बग्घा दिखता नहीं रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे तो लकड़बग्घा नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड चलते हैं आगे, आप लोग इस वीडियो में बने ही रहना। तो फ्रेंड ये भालू का, तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं भालू वहाँ पे हैं। तो फ्रेंड आप लोग पटना आते हैं तो ये हिमालयन गिद्ध हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है। तो फ्रेंड आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं हिमालयन गिद्ध हैं, दो दो हिमालयन गिद्ध हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पटना चिड़ियाघर पूरा दिखाएंगे। तो फ्रेंड हम लोग आगे चल रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये शुतुरमुर्ग है, अभी तो अपना खाना खा रहा है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। आप लोग देख सकते हैं ये एमू है, इसमें लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले संसार का सबसे दूसरा बड़ा पक्षी है, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। चलिए आप लोग हम पक्षी दिखा। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यह है एमू, अभी तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये एमू है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये केसवाड़ी है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है जो आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। और नीचे केसवाड़ी का फ़ोटो दिया हुआ है,
भोजन में ये फल एवं फूल के बीज, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका आयु 30 से 35 वर्ष तक होता है। तो फ्रेंड आप लोग देखिए, यही है किसवरी। तो फ्रेंड चलते हैं आगे। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पक्षी उक्षी का नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं एक पक्षी ये है, इसका नाम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा पक्षी है, और इसमें नाम भी दिया हुआ है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तब तक चलते हैं आगे। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये काला हंस के बारे में दिया हुआ है, जो आप लोग अपने पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं, काला हंस को देखते हैं अंदर जाके। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये काला हंस है। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये कछुआ है छोटा वाला, और बड़ा वाला वहाँ पे है, आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये कछुआ का घर हुआ। तो फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।